सिर्फ और सिर्फ 95 रिटर्न पाउंड का वीज़ा मिलता है अभी तक, ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हो कि यूके में जाओ, बट अब पाकिस्तान इंडिया जो एशियन कंट्रीज है वो रेड लिस्ट में है, उसके लिए उसके अगेंस्ट में अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको 1750 रुपये पे करने पड़ते हैं, 1750 रिटर्न पाउंड पे करना पड़ता है, सॉरी पाकिस्तान में रहता हूँ इसलिए रुपीज़ में आ गया। तो इन सब से बचने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो बड़े मैं कहते हैं मज़ेदार से ट्रिक्स हैं अगर आप जाना चाहते हो तो किस तरह आप ये पैसे बचा सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बोल लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो। देखें अगर आप इंडिया पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो यूके की तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जो कि 1750 रिटर्न पाउंड और उनके स्पेसिफिक जो भी होटल होगा वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप 10 दिन की कैदी बनने के बाद आप घूम फिर सकोगे। उसका तरीका अगर आप ये कर सकते हो कि आप जो यूके ने ग्रीन लिस्ट जारी की हुई है वहाँ पर आप जाओ, 10 दिन वहाँ पर रहो और वहाँ से आप फिर आगे चले जाए, तो इसमें ये फ़ायदा आपको हो सकता है कि आपने जो वहाँ पर कैद काटनी है दूसरे किसी मुल्क में ग्रीन लिस्टेड कंट्रीज में जाकर वहाँ पर इंजॉय करें छुट्टियों का और फिर वहाँ से आप यूके चले जाएँ। बहुत ज़्यादा लोग इस तरह आजकल कर भी रहे हैं, इससे उनकी आप कह सकते हैं पैसे तो लग रहे हैं लेकिन वो इंजॉयमेंट भी साथ साथ कर रहे हैं। ये क्या फ़ायदा हुआ कि आप 1750 रुपये पाउंड भी दो और वहाँ पर किसी एक होटल में आप रहो 10 दिन के लिए, उसके बाद फिर आप घूमो फिरोगे। तो जिन लोगों के पास पैसा है या जिन लोगों के पास अफोर्ड कर सकते हैं वो यूके की ग्रीन लिस्ट में जाएं, ग्रीन लिस्ट में जाते हुए आप जो है वहाँ पर घूम फिर सकते हो और उसके बाद आप उस ग्रीन लिस्ट वाली कंट्री से होते हुए जो है यूके चले जाएं। तो ये छोटी सी आपके लिए ट्रिक थी, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।